आप सभी के लिए जो CSR नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो जो होगी, इस वीडियो में भले ही आपको लगे कि कोई टॉपिक नहीं है या फिर कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल से जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखने वाले हैं और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन सभी एग्जाम्पल का अगर रियल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस हर एक स्टूडेंट के लिए जिसको रियल एनालिसिस में काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने के लिए दिक्कत होती है। बेसिकली काउंटर एग्जाम्पल्स वो है जो आपके गिवन स्टेटमेंट को फेल करे, फेल करे मतलब गिवन स्टेटमेंट को काउंटर करे। जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं भी डिबेट चल रही है, कहीं भी कुछ बातें चल रहे हैं, तो सामने वाले का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हमें अगर गलत साबित करना है तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा। वैसे ही मैथमेटिक्स में फॉर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस की बात करें तो अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है और मुझे साबित करना है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो इस स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है, जिस एग्जाम्पल से मैं बोल सकूं कि हाँ ये एग्जाम्पल है जो इस आपके स्टेटमेंट को फेल करता है, उनको बोला जाता है बेसिकली काउंटर एग्जाम्पल्स। तो काउंटर एग्जाम्पल्स अगर बात करें जाओ रियल एनालिसिस में, तो सीक्वेंसेस, सीरीज, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब में काउंटर एग्जाम्पल्स का काफी बड़ा योगदान है। और अगर आप लास्ट 2011 से अब तक के सारे पेपर्स उठा लें तो ऐसी भी बात नहीं है कि 50, 60 या फिर 70, 80 एग्जाम्पल्स है फंक्शन से, सीक्वेंसेस से, जिसको एज अ काउंटर एग्जाम्पल यूज किया जाता है। बार 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 वही काउंटर एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं, और यही रीजन है कि ये जो काउंटर एग्जाम्पल्स रिपीट हो रहे हैं इसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें होती है। तो चलिए देख लेते हैं ये काउंटर एग्जाम्पल्स एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को फंक्शंस के काउंटर एग्जाम्पल। अगर आप 2011 से अब तक के पेपर उठा के आओगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 90-90% यही काउंटर एग्जाम्पल्स काम आएंगे, जिसमें से अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे तो पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, उसके बाद दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, f of x is equals to x square plus 1 sin x tan x log x e to the power x tan inverse x e to the power minus x 1 upon x root x। और ये जो काउंटर एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल x f of x equals to x, फिक्स्ड पॉइंट का काम हो, मोनोटोनिक फंक्शन का काम हो, कंटिन्यूटी का काम हो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का काम हो, लिप्सिस का काम हो, बाउंडेड वेरिएशन का हो, उसके बाद रीमान इंटीग्रेशन का, सब पे काम है। x square R पे UC नहीं है लेकिन क्लोज्ड DB पे UC है। x square monotonic नहीं है, ठीक है, x square polynomial है, उसका derivative bounded domain पे bounded है, infinite domain पे bounded नहीं है। x cube 1-1 है, ऐसा function जहाँ पे point of inflection मिल रहा है और second derivative आपका 0 आ रहा है, ऐसा function जो uniformly continuous नहीं है और R पे but आपके finite length के interval पे UC है। उसके बाद sin x periodic function है, bounded है, uniformly continuous है, derivative exist होता है हर point पे but monotonic नहीं है। tan x minus pi by 2 to pi by 2 monotonic है लेकिन bounded नहीं, uniformly continuous बिल्कुल भी नहीं, monotonically strictly increasing है, derivative strictly greater than 0 for all x belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2, log x भी open 0 to infinity में कुछ properties specify करता है, ओपन 0 टू a पे uc नहीं है लेकिन a टू इंफिनिटी पे uc है, ओपन 0 टू a पे डेरिवेटिव पूरा पॉजिटिव होता है, ओपन 0 टू a में f(x) = 0 पे, सॉरी f(x) = 1 पे 0 देता है, tan इनवर्स x पूरे r पे मोनोटोनिक है लेकिन उसका फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी है, डेरिवेटिव भी उसका जो है वो भी बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है r पे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। अलग-अलग टाइप्स के हर एक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान से पढ़ेगा और इसी से जब एग्जाम से आप जाके आओगे आप मुझे बताओगे जो काउंटर एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं वही काउंटर एग्जांपल्स आपके काम है। उसके बाद है सेकंड, कांस्टेंट सीक्वेंस माइनस रूट टू द पावर एन ऑसिलेट फाइनाइटली, कन्वर्जेंट डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कन्वर्जेंट इंक्रीजिंग सीक्वेंस माइनस 1 बाय एन और 1 बाय एक्सिस सीक्वेंस जो मोनोटोनिक नहीं लेकिन कन्वर्जेंट है माइनस रूट टू द पावर एन, साइनियन जिसके अनकाउंटेबली मेनी लिमिट पॉइंट्स हो, ऐसी सीक्वेंस जो कि यू कैन से डेंस है, ऐसी सीक्वेंस जो कि मोनोटोनिक नहीं है, टैन इनवर्स है,
ओके टेन इनवर्स एन है, एन है वन प्लस वन बाई एन टू दी पावर एन है, वन अपॉन एन लॉग एन है, वन अपॉन एन स्क्वायर है, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री टू वन बाई, एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि यू कैन से कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस तो कॉन्वर्जेंट हो जाती है, बट ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं है। और इसीलिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होंगे जो आपको एज अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर सीरीज भी काम आ जाते हैं, तो इन सभी को आप लोग प्रॉपरली देख लीजिएगा। इन्हीं काउंटर एग्जाम्पल के ये जो पीवाईक्यू के पेपर से जाइए सॉल्व करके देख लीजिएगा, पीवाईक्यू के पेपर्स भी आपको इसी काउंटर एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये सारे के सारे टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है, लास्ट थ्री इयर्स के आईएफएस के प्री आपके सेक्शन में, और उसके पहले वाले सारे पेपर जो पीडीएफ फॉर्मेट में। उसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट को जो रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए भी आईएफएस 30 का प्रोमो कोड यूज करके आप इस क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वन मंथ के लिए आपका ये टेस्टरी जो इसकी प्राइस 999 है, हालांकि ये भी आप कम करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग जो मॉक टेस्ट लीग लेके आ रहे हैं, अगर आप एक भी दिन मॉक टेस्ट लीग का टॉपर बन जाते हो तो आपको ये टेस्टरी 999 में मतलब 99 रुपीज में मिलने वाली है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो आपका लेक्चर सीरीज परचेस करना चाहता है, कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज लेना चाहता है, तो उसके लिए भी 999 पे लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट हो जिसको टेस्ट सीरीज लेनी हो, लेक्चर सीरीज लेना हो, या फिर एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लेना हो, आप सभी का स्वागत है आईएफएसएस प्लेटफॉर्म पे। आइए पढ़िए, जोर से दिल लगा के पढ़िए, और अपना जो जीआरएफ की रैंक है उस रैंक को भी लेके आइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड